लोकसभा चोणां दे आखरी पड़ाव दे लई कड़ाके दी गर्मी दे विच वी आगू पसीना बहा रहा है। चंडीगढ़ दा तापमान 45 डिग्री नूं छू रहा है ते दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ तों भाजपा दे उम्मीदवार संजय टंडन सफर कर रहे हन। सुनो संजय टंडन ने की कहा जिहे माहौल दे विच जिथे की मौसम दे नाल नाल सियासी तापमान भी सिखरां ते पहुंच गया। गर्मी इस वक्त उफान पर है क्योंकि नौतपा भी चल रहा है और कई जगह जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री क्रॉस कर चुका है। लेकिन चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी टेम्परेचर कहर ढा रहा है क्योंकि 45 डिग्री के आसपास यहां पर टेम्परेचर है। लेकिन ऐसे मौसम में नेता खूब पसीना बहा रहे हैं। तस्वीरें आप संजय टंडन की देख रहे हैं जो चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और ऐसे मौसम में पैदल यात्रा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है लेकिन पसीना जो है वो नेता बहा रहे हैं। टंडन जी कितनी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि इतना टेम्परेचर और पद यात्रा आप निकाल रहे हैं? देखो जैसे जैसे जो राजनीति का बढ़ रहा है जो इस समय जोर, वैसे वैसे जो है वो सूर्य की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। सो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हेलो, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी जो है वो भी कहीं ना कहीं उफान पर है और जो राजनीति है वो भी उफान पर है। चंडीगढ़ में जो इलेक्शन है वो 1 जून को है, यानी लास्ट चरण में है और लास्ट चरण के चुनाव में अभी महज 2 दिन बाकी हैं। लेकिन 2 दिन पहले का ये नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूप में जो नेता हैं वो जनता को अपने समर्थन में करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। बहुत सारे दर्शक भी जो समर्थक हैं वो भी साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इतना आप कितनी मेहनत करनी पड़ रही है लिए? जीत साड़ी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। आप क्या कहेंगे सर, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? बहुत ज्यादा, 90% 90% डेफिनेटली। क्या कहेंगे मैम, जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं जी। हाँ। जीत हमारी पक्की है। हाँ। बस अभी तो हम पब्लिक से हार्ट टू हार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब लोग हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी टेम्परेचर जितना मर्जी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी हो गर्मी हो। इस बार तो मोदी जी जीतेंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तापमान में भी संजय टंडन जी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोगों का दिल जीता जाए और डोर टू डोर जो है आप कहीं ना कहीं ये कैंपेन जो है वो ये कहीं के अंतिम चरण में पड़ाव में है ये जो कैंपेन है। सर कोई मुकाबला, नहीं कोई मुकाबला कोई सामने नजर नहीं आ रहा क्योंकि क्योंकि जो जो सामने व्यक्ति हैं उनको किसी ने देखा ही नहीं है 40 साल में यहाँ पे। क्या सर उनका कोई यहाँ पर आधार नहीं है जिस आधार के ऊपर वो लोगों से वो मांगे? उनका अपना पार्टी के अंदर भी बैलेंस नहीं बन रहा। तो मेरे को लगता है कि चंडीगढ़ ने डिसाइड कर लिया है कि बीजेपी की झोली में यहाँ की टिकट डालनी है। कौन सा सर मेन मुद्दा निकल कर आ रहा है सामने, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इसमें? जी वोट फॉर बीजेपी। टंडन साहब कौन सा मुद्दा मेन है इस बार चंडीगढ़ में? मुद्दा इस समय यही है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और यहाँ पे लोकल व्यक्ति को यहाँ से सांसद बनाना है। ये मुद्दा है। तो कैसा समर्थन मिल रहा है क्योंकि पद यात्रा कर रहे हैं, समर्थन जो है वो कैसा मिल रहा है? बड़ा जबरदस्त रिस्पांस है जी। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है अपने दुकान से भी बाहर आकर हमारे साथ बात भी कर रहा है, मिल भी रहा है, अपना समर्थन भी दे रहा है। और कई लोग तो नमस्कार जी। तो लोगों का बहाव तो इतना जबरदस्त है कि जिसको आप एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है।
शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संजय टंडन जी हैं जो वो पद यात्रा कर रहे हैं, शहर में कई जगह आज ये पद यात्रा कर रहे हैं, और इससे पहले रैलियां और इसके अलावा बड़े बड़े नेता जो हैं वो वोट मांगने के लिए समर्थन में अपने अपने कैंडिडेट के चंडीगढ़ में आए। लेकिन फिलहाल क्योंकि महज दो दिन बाकी हैं, दो दिन के बाद जनता चंडीगढ़ की किसको समर्थन देगी ये फिलहाल देखना होगा। कैमरामैन जतिन के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़।